Halo Mas Reza, sebelum suara Reza di telepon yang mulia dan tua, sudah yang mau main blog Survivor Series K Part 4 Gender Korea Satria Jayani itu. Pindah dari ke serius, seru ketika kau you let's go. तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए गाइस, आ चुके हम अपने वन ब्लॉक सर्वाइवर सीरीज के अंदर। तो आज हमारा बहुत कुछ प्लान है, जिसमें कि हम करेंगे आज अपने एनिमल्स को शिफ्ट, और बोले तो दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पीछे एक आइलैंड और हमारे पास देख सकते हो एक घोड़ा भी है। तो हम बनाएंगे आज अपना एक फार्म, और इन चिकन्स को और शिप को सारे को उधर डालेंगे। तो चलो अपने काम पे लगते हैं जल्दी से, तो सारा सामान लेते हैं और देखते हैं मेरे पास कितनी वुड है। ये वुड किसमें है, इसमें कोई यार शील्डर ले लेते हैं, और एक चेस्ट है मेरे पास अभी, क्योंकि मैं अभी ऑफलाइन इसके माइनिंग करते हुए आ रहा था। तो वुड किसमें, ये रही हमारी सारी की वुड चेस्ट। वो फाइव चेस्ट है हमारे पास। तो अभी मैं चेक करने वाला था, ओके तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वुड है, तो अभी के लिए ले लेते हैं। और कुछ फेंसेज हैं जो कि उधर लगाएंगे ताकि हमको तकलीफ ना हो, और ना ही हमारे सारे जानवर नीचे गिर जाएं। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी मर जाए। चलो जल्दी फेंस बन गए, 36 फेंस हो चुके हैं हमारे पास। और चलो अपने काम पे लगते हैं। और तो चलो अपना थोड़ा सा आइलैंड देखते हैं कैसा है, बहुत दिनों के बाद आया हूँ। और अपना एनिमल्स बोले तो वो किधर गया, लामा देख सकते हो, अभी तक पिछले 10-15 दिनों से वहीं पे चूल्हा झूल रहा है कब से। और मैंने ये एक नीचा आइलैंड बनाया, जिसमें मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग सा बनाए। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। मुझे भी देखो, लामास की कमी नहीं है, बॉन्डिंग ट्रेडर आता रहता है बार बार। और इधर मैंने फैन हटा के ये लगा दिया ताकि मॉब्स क्या उसे एक ब्लॉक पे ही खड़े रहें और ऐसे चल ना सके इधर उधर, वरना क्रीपर को पूछो ही मत, वो आ जाता पीछे पीछे भाग के। तो चलो अपने फेंसेस यहाँ पर लगाते हैं, और मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में ये सारा काम करके। तो चलो गाइस, हमारा पूरा फेंस का काम हो गया, और मुझे पता है दो कम पड़ गए थे, इसलिए चलो तो अपनी क्राफ्टिंग टेबल एक काम करता हूँ, वहीं पर रख देते हैं क्योंकि सारा काम बाहर का है। तो अभी इसलिए मैं इसको बाहर रख देता हूँ एक बार के लिए, वरना क्या बार बार घर के अंदर आना पड़ता है। और आप देख सकते हो मेरे पास एक शेडल है, जो कि मुझे ऑफलाइन में एक चेस्ट मिली थी माइनिंग के वक्त, जिसमें से मुझको एक शेडल मिली, शेडल और एक पेपर मिला था, और दो एरो मिले थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये शेडल इसको अपने हॉर्स को पहना दे। तो इसका नाम मुझे आप कमेंट में सजेस्ट बता देना। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका नाम गोलू रख दिया जाए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो चलो इसको हमने शेडल पहना दिया है, और अब हम इसको राइड कर सकते हैं दिल्ली। तो मेरे पास थोड़ा सा वुड की कमी है, तो इसको रख देते हैं यहीं पे। और चलो दो तीन फैंस की कमी पड़ गई थी, इसलिए इनको भी बना लेते हैं। चलो 6 फैंस हो चुके हैं, तो अभी इतने इधर कितने लगे, 1 2 3 4 लग जा।
अभी दो एक्स्ट्रा है तो इनको किधर लगाए, काम करता हूँ करता हूँ इनको उधर लगा देते हैं एक बार, तो इनको भी इधर लगा देते हैं। तो चलो गाइस हमारा फ्रेंड्स का सारा काम हो चुका है और स्टोर को इसके ऊपर लगा देते हैं। तो किधर ले आगा एक स्टोर को लगाए यहाँ पे और दूसरे को यहाँ पे लगा देते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अपना सारा फार्मिंग का काम यहाँ से हटाते हैं और थोड़ा सा गेम पता नहीं क्यों लेग कर रहा है। हमारे पास अभी खाने की भी कमी नहीं है और ना ही वुड की, सिर्फ कोबल स्टोन की कमी है जो कि बहुत ही कम मिलता है यहाँ से। अगर लावा बकेट मिल जाती तो बहुत ही अच्छा काम होता हमारा, ताकि हम इन्फिनिटी कोबल स्टोन फार्म बना लेते। तो मैं इसको फार्म ग्रास से उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ जल्दी से और थोड़ी देर के अंदर मिलता हूँ। तो चलो ये हमारा लास्ट बचा हुआ है तो इसको भी अभी कन्वर्ट कर देते हैं उसमें। तो ये भी हो चुका है, अभी रात होने वाली है तो थोड़ा सा इधर से माइनिंग करते हैं और अपने घर की ओर थोड़ा सा क्या कोबल स्टोन ले लेते हैं, ताकि हमारे को एक्स बनानी हो तो बना लें। एक्स काफ़ी डैमेज हो चुकी है और पिकेक्स भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज है। चलो अपने घर के अंदर चलते हैं और अभी एक प्यारी सी चपकी लेके आते हैं। अरे बंद हो जा, अरे ये क्या हुआ। तो गुड नाइट गाइस, गुड मॉर्निंग। हमने रात को एक प्यारी चपकी मार ली थी, बहुत ही आरामदायक। तो चलो अपने सारे काम पे लगते हैं। अभी मेरे पास स्वीट्स और पटेटो वीट सब है तो इन सभी को ले जाना पड़ेगा उधर जल्दी। तो चलो पिग भाई, अभी यार चिकन्स को एक काम करता हूँ, पहले ले जाता हूँ। चलो चिकन्स आ जाओ, देख रहे हो लामा कैसे भाग भाग के अंदर जा रहे हैं। नवाज को तो मैं अभी यहीं पे रहने दूंगा, क्या इनको फिर किधर शिफ्ट करेंगे तो मैं सोच रहा हूँ उधर कर देंगे फिलहाल के लिए। इधर ठीक है, देख रहे हो कैसे आ रही है, जैसे ट्रेन आ रही है। जल्दी आओ जल्दी आओ, तो ये क्या दरवाज़ा बंद हो। चलो इनको भी कुछ खिला देते हैं, काफ़ी दिनों से भूखे हैं। चलो हम शिप्स को लेके आते हैं जल्दी से। चलो 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 जल्दी चलो। तो हम आ चुके हैं अपने शिप्स को लेने के लिए, बस सब बहुत सारे हैं, तीन चार। अबे लामा घर जाओ, उसको तो आने दो। कौन अबे पिक पिक क्या तकलीफ है भाई, इनको आने दे जल्दी से। और ये एक चिकन भी इधर रह गया, बस पिक को चपक ली गए। चल सारे आ गए, तो चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, सभी कतार में आओ, ऐसे रेलगाड़ी की तरह। अरे अरे देख रहे हो इन लोगों को, अबे धक्के मार के अंदर मारना, अंदर डालना पड़ेगा क्या तुमको पकड़ के। तो इस फेंस को भी रुको यार, ये मैंने गलत हटा दिया, तो इसको वापस लगाते हैं और इस फेंस गेट को हटाते हैं पूरा यहाँ से। तो इसको लगाए यहाँ पे और लोग बाय बाय आओ। अरे यार तुझको क्या कर लीजिए, रुको यार इसको इसको तोड़ना पड़ेगा। अब आ जाओ, चलो सभी आ गई। तो फेंस गेट वापस लगा देते हैं, लगाया अपना फेंस गेट। तो चलो चलते हैं जल्दी से, और ये चिकन भी गए, इसको भी बाद में ले जाएंगे। ठीक है भैया आप आ जाओ, ठीक है भैया को आने दो यार। तो ये चिकन को भी लेके आते हैं, ठीक है भैया आप करो, तुम भी आ जाओ। अरे यार से लग गई, मैं तो गेट बंद कर रहा था। चिकन दीदी इधर आओ, किधर जा रहे हो, मेरे पास आ जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है भैया किधर है,
ये रेसिपी भैया, आओ आप पियो, आपको मैं अच्छे अच्छे पटोटे खिलाऊंगा, तो चलो मेरे साथ। बस तुम किधर गई? तो चिकन तो भी आ जा, मैं इसको धक्का दे पीटी। ठीक है भाई, तुम भी आ जाओ, चलो चलो। यार क्या करते हो तुम लोग, खड़ा मत क्या करो यार, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। आ जाए तो आओ, सभी इधर आओ। तो सारे नंदे भी देते ही, अभी बारी इनके की, भैया को लेके आते हैं। भैया आप भी आ जाओ जल्दी जल्दी। तो चलो, हमारे पेगी भैया भी आ चुके हैं जल्दी से, अभी तो इधर बुलाते हैं कोफ्ते में। मैं सोच रहा था कि इनके बीच में फिर बैठ दे के पिक को अलग, चिकन को अलग और चिप्स को अलग कर दें, फिर क्या पूरा पगझड़ मच जाती है यार। अपनी एक्स भी उधर रहेगी, तो अपनी एक्स भी लेते हैं और ये लोग मिलते हैं। हमारी एक्स की पिक्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो अभी हमको काऊ की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक नहीं मिली हमको। तो चलो देखते हमारे पास कितनी वुड है यार। थोड़ा सा आयरन लेके, वो आयरन पकेट बनानी है और एक पिकेट भी तो बनानी है मुझको। पिकेक्स नहीं है क्योंकि मैं ऑफलाइन में उधर फेंस लगा रहा था, वो नीचे गिर गया। ये बच्चे कुछ वुड है तो भी ले लेते हैं। ये डस्ट देख सकते हो हमारे पास, फॉरेस्ट डस्ट है जो कि ग्रेवल से मैंने बना ली थी, वहाँ से हटा के बहुत ही ज़्यादा बन चुकी है, तो इसको मैं जल्दी से ले लेता हूँ और चलो चलते हैं यहाँ से। और तो क्या बाकी रह गया? हाँ तो मुझे थोड़ी सी स्टिक्स तो और प्लैंक्स बनाने हैं, एक खोई बना लेता हूँ। अभी तो वुडन का पड़ा हमारे पास, तो अपना वाटर बकेट वहाँ से लेके आते हैं। और मैं सोच रहा था किधर बनाऊँ, तो किधर बनाया जाए, इस साइड की उधर घर के पास। तो अभी यार क्या करूँ, काम करता हूँ सारे फ्रेंड्स को यहाँ से हटाता हूँ और देखते हैं एक बार को यहाँ पे बनाते हैं या फिर कहीं और। मैंने बेफालतू फ्रेंड्स यहाँ पे लगा के रखे हैं, तो मैं ऐसा फ्रेंड्स हटा के मिलता हूँ आप सभी को। ओके गाइस, मैंने पूरा सारा फ्रेंड्स का काम कर लिया, वहाँ से पूरा फ्रेंड्स हटा दिया है। तो अभी के लिए मैं सोच रहा था कि इनकी लिड्स खोल दी जाए, जैसे तो ये नहीं खुलने वाली, तो फ्रेंड्स को तोड़ना पड़ेगा और मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि एक लामा नीचे झूला खा रहा है कब से, तो उसको बचाएंगे फिर वहीं फ्रेंड्स हटा देंगे, फ्रेंड्स हटाएंगे वरना वो नीचे गिर जाएगा। तो आप लोग बोलोगे ये तो क्रिमिनल निकला। तो अभी अपने सारे स्लैब्स बना लेते हैं जल्दी जल्दी। तो चलो, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्लैब्स हो चुके हैं, तो ये देखो हमारे पास उगाने के लिए बहुत कुछ है, पोटैटो है, वीट है और कैरेट भी है। तो मैं अपने घर के पास इधर ही इधर बनाऊँ, इधर बनाऊँ या फिर इधर उस साइड को, तो इस एक काम करते हैं इस साइड को बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए रात हो रही है, तो मैं काम करता हूँ जल्दी से, प्यारी सी जब के ले लेते हैं और गुड नाइट। चलो पहले सुबह हो चुकी है हमारी, तो अभी मैं सोच रहा था थोड़ा सा कोबलस्टोन लेते हैं और इससे क्या बीच बीच का रास्ता बनाएंगे कोबलस्टोन का, और साइड में वुड लगा देंगे, बहुत ही अच्छा दिखेगा। ये हमारे स्लैब्स बन चुके हैं, तो बाकी का अंदर रख देते हैं। जो मेरे स्लैब्स किधर गए? हाँ तो ये रही मेरे पिकेट के पास, मुझे दिखाई नहीं दिए। तो अभी मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे अपना फार्म, इधर क्या बीच में आ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा यहीं पर बना देते हैं। 1, 2 और 3 जैसे थोड़ा
हाइट में बनाएंगे ताकि बहुत ही अच्छा दिखे, ऐसे सब चीज ऊंचे ऊंचे, इससे एक सरफेस तो नहीं बनाएंगे कि पूरा एक ही लेवल में। इसलिए मैं ये सारा काम करके मिलता हूँ आप सभी को। तो चलो, मैंने हमने पूरी स्टेयर केस बना दी है, तो अभी यहाँ पे स्टेप्स लगाना शुरू करते हैं। और ये वन लग चुका है, तो ये 2, 3, 4 और ये 5। अभी तो मैं सोच रहा हूँ 10x10 का बनाए या फिर 10x5 का बनाए, तो इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। और भी इसका सेंटर्स किधर है, 1, 2, 3, 4, 5, तो सेंटर यही लग रहा है मुझको। अभी के लिए इसको इधर लगा देते हैं, 2 और 3 और 3 इधर को लगाएंगे। और लग सा अभी यार किधर लग चुका है, तो अभी के लिए हाथ से ही तोड़ देते हैं। ब्रेक्स तो हमारी ख़त्म हो चुकी, इसको लगाते हैं फिर से इधर। और 3 साइड बना लगा देते हैं जल्दी से, तो जल्दी लगता 2 और ये लास्ट 3 हो चुका है। तो अभी इसको जल्दी जल्दी फिल करते हैं और इसको जा पहले चेक कर लेते हैं कितनी डट ऊपरेगी। तो अभी डट तो थोड़ी हवा में रहेगी, तो इस एरिया को थोड़ा सा फिल करके मैं सोच रहा था कि इधर चेस्ट रख देंगे और थोड़ा सा ऊपर करके उधर बनाएंगे अपना फार्म का एरिया छोटा सा अभी के ये, क्योंकि हमारे पास इतनी ना ही डट है और ना ही ज़्यादा वाटर है, वाटर की कमी नहीं है। अभी मैं चाहूँ तो इन्फिनिटी सोर्स बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो है अभी आइस ब्लॉक है, तो उसको मैं पिघाल के अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लूँगा। उसकी भी मुझको वो कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं ये एरिया जल्दी से फिल करता हूँ और आपको मिलता हूँ। तो चलो, हमारा आइलैंड हो चुका है अभी एक्सपेंड। तो अभी के लिए मैं इधर से कितना खींचूँ, 5 लेयर रख देते हैं अभी के लिए। तो ये 2 लग चुके हैं, 3 और भी लगता है। इस प्लस वाले में क्या ऐसे काम करना बड़ा मुश्किल है। तो ये लग चुका है अपना आखिरी, तो इतना बहुत है एक बार को लिए। इसको भी जल्दी जल्दी फिल कर देते हैं, तो देख रहे हो कितना स्लो स्लो हो रहा है। अरे यार कहाँ लग गया, पहले एक बार तो ये इसको लगा देते हैं जल्दी जल्दी और फिर ऊपर अपना डट लगाएंगे जल्दी से। तो ये भी लगता, तो इस साइड का एरिया पूरा कंप्लीट हो चुका है और हम इस साइड का पूरा एरिया उधर साइड का एरिया भी कंप्लीट कर देते हैं जल्दी से। तो ये हो चुका है अपना, थोड़ा सा और बाकी है, तो लग जा जल्दी जल्दी। देख रहे हो इतना स्लो हो रहा काम, कौन सब लोग कहीं पे भी लग जा रहा है कब से। ये मुझे थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी तो क्या। तो चलो इसको भी ले लेते हैं जल्दी से। अभी के लिए हमारे पास जितना मटेरियल है उस हिसाब से बनेंगे। अभी यहाँ नीचे पर भी नीचे गिर गया वो, तो इधर अपना फार्म आ जाएगा और देखते हैं अभी तक हवा में नहीं उड़ेगी तो लगाएंगे। एक काम करता हूँ, ये ब्लॉक छोड़ के ही लगाएंगे, तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर देगा। एक काम करता हूँ, कर देते हैं 2 ब्लॉक का गैप देके इसको भी लगाते देंगे यहाँ से, और थोड़ा उस साइड को भी एक्सटेंड कर देंगे ताकि फार्म थोड़ा सा बड़ा बने। लग गया, इसको भी लग गया। अरे यार
तुम लोग अरे यार कहाँ पे लग चुके हैं, इनको हटाना पड़ेगा। फिक्र इतना मुश्किल काम है इस प्लस वाले के अंदर, वरना उससे बहुत ही जल्दी काम हो जाता। पॉकेट एडिशन में जब भी कोई काम करो तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि इस प्लस वाले आइकन को ना रखो तो अच्छा है। चलो अपना यहाँ से शुरू करते हैं, तो इसको एक ब्लॉक छोड़ के खरीदते हैं, इसको इधर से करके तो उसको भी यहाँ से हटा देते हैं। तो चल भाई चंद्रा, तो इसको ऐसे लगाएंगे पूरा तरह से, तो ये सारा लगाता हूँ। और तो चलो ये कुछ लास्ट के बचे हुए दो तीन और है, तो इसको भी बहुत से जल्दी से कर देते हैं फार्म डेट में कन्वर्ट। हो रही है हमारा पूरा फार्म रेडी हो चुका है, बस यहाँ पे सीड्स पटोटे और कैरेट लगाना बाकी है। तो अभी के लिए तीन सीड्स है, तो बाकी की सीड्स शायद मेरे उस चेस्ट के अंदर है, वो यहाँ पे जो भी चेस्ट होगी उसके अंदर सारा ये खाने पीने का या फिर फार्म का ही सामान होगा, जिसमें पोटैटो कैरेट ये सब शाकाहारी खाना होगा। अब लगा चुने उधर, ये हमारे पास पोटैटो बहुत ही ज़्यादा है, तो क्योंकि कैरेट तो थी मेरे पास जो कि मैंने कुछ पिक्स को खिला दी और कुछ मेरे पास खाने के लिए रखी थी, तो गलती से मैं नीचे गिरने की वजह से पूरा ख़त्म हो गया। और ये सारा चलो कुछ हम खा लेते हैं, दो बचे हुए पोटैटो हमने खा लिए, तो अभी के लिए अंदर से चेस्ट लेके आता हूँ। अरे गोलू भैया जाओ, तो ये रही मेरे पास चेस्ट की कमी भी नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि उधर फेंस लगा देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये सारा सामान लेते हैं एक बार, को क्या कुछ चेस्ट ले चलते हैं। ओके सिक्स डस्ट और है हमारे पास, तो इसको भी कोरस डस्ट बना के उधर लगा देते हैं, और चेस्ट को मैं वापस आगे ले जाऊंगा। अभी के लिए इनको इधर लगा देते हैं, और अभी के लिए अभी लगता है यार करो बड़ी दिक्कत होती है इसमें काम करने की। अभी इसको तोड़ो पूरा फिर से, चलो ये क्या पे हो रही है, सारी सेट हो चुकी है। और इनके नीचे प्लैंक्स लगा देते हैं ताकि अच्छा दिखे, इसे हवा में फ्लोटिंग की तरह ना दिखे। और कुछ प्लैंक्स इधर भी लगा देते हैं एक बार को, और कुछ इधर नीचे, ऐसे क्या पूरी सीढ़ी बन जाएगी तो अच्छा होगा ऊपर चढ़ने में, वरना ऐसे भागते हुए आएंगे पीछे से तो हमारा खेत भी खराब हो जाएगा। और चलो ये लास्ट के दो प्लैंक्स बचे हुए हैं, तो इसको अभी के लिए मेरे पास रहने देते हैं, और यहाँ पे लगा देते हैं अपनी डेट को। और ये होल में थोड़ा सा होल और बाकी है तो टूट जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर। तो यहाँ पे मैं सोच रहा था कि पम्पकिन सीड्स लगा दूँ, मेरे पास पम्पकिन भी कमी नहीं है, तो ये दो डट इधर भी लगा देते हैं जल्दी से। अभी डट की कमी होगी तो यहाँ से थोड़ा सा हटा के उसमें ग्रेवल मिला के कोरस डट बना लेंगे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अपनी डट की कमी भी नहीं होगी।
तो चेस्ट को पूरा अभी यार चेस्ट को पूरा क्यों तोड़ रहे हैं, सामान ले लेते हैं सिर्फ। तो ये देख सकते हो हमारे पास कितने सारे सीड्स और मेलन सीड्स भी है और पंपकिन सीड्स भी है। मेलन सीड्स तो नहीं है, ये बीटरूट वाले सीड्स हैं। वो ये सारा सामान उधर रख दूंगा। तो चलो अपने पंपकिन का चक्कर ले लेते हैं अभी के लिए, वहाँ पर रख देते हैं अभी जल्दी से। तो ये पॉइजन पोटैटो को फेंक देते हैं, ये खाने के लिए काम तो आता नहीं है। तो चलो इनको भी लगा देते हैं यहाँ पे एक एक का गैप देके। तो ये लगेगा इधर ताकि इसका इधर आ जाएगा, इसका इधर और इसका इधर। तो चलो ये हमारा लग चुका है पूरा पंपकिन का सीड्स। और ये बच्चे कुछ इसके अंदर रख देते हैं। ये गया अपना सीड्स और ये बीटरूट का पंपकिन का। तो सीड्स सारे उसमें है और खाने पीने का जो भी हमें मिला है वो यहाँ पे आएगा। उस पोटैटो कैरेट और बीटरूट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा था कि एक्सपी फार्म बना लूँ। अगर एक्सपी फार्म बनाऊंगा तो मुझे बता देना कमेंट में। ओके यार फेंस लगा दूँ यहाँ पे, देखते हैं अच्छे लगेंगे या फिर नहीं। तो इसको लगाएंगे इधर की साइड। नहीं यार बड़े गंदे दिख रहे हैं तो इसको यहाँ से हटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स अपने पूरे वर्ल्ड के साइड साइड्स में लगाएंगे ताकि हम भी गिरे ना। कभी कभी हम भी काम करते करते गिर जाते हैं पीछे की साइड। तो अभी नेक्स्ट का क्या करें, एक काम करते हैं इसको वहीं पर चल के फोड़ते हैं और देखते हैं चिकन्स आते हैं या फिर नहीं। अगर चिकन्स निकले तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। ओ भाई एक ही बार में दो दो आ गए, वरना एक भी नहीं आता। पूछो हमारा ये सारा काम हो चुका है तो अभी थोड़ी सी क्या करें, एक काम करते हैं ओपे को वहाँ पर लगा देते हैं ताकि बड़ा हो जाए तो उनको बाद में वो लोग मिले, क्योंकि वो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ से आयरन ले लेते हैं और शील्ड पहनना बहुत जरूरी है। कब पता कौन सा मूव आ जाए और हमारी हालत खराब कर दे, तो इसलिए शील्ड रखा करो साथ में। जब मॉन्स्टर भी आते रहेंगे और हमारे ब्लॉक्स देख सकते हो हमने कितने माइन कर चुके हैं 1034। तो चलो यहाँ से थोड़े सा माइनिंग करते हैं और मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के अंदर। तो बस गाइस आज के लिए इतनी प्रोग्रेस बहुत है। तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मुझे बताना क्या क्या बनाना चाहिए। तो नहीं सर्वाइवल सीरीज का भी पार्ट आता रहेगा, अभी पार्ट बना चुका है चैनल पे तो जाके देख लेना, बहुत ही अच्छा पार्ट है। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना। और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।